नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोकसभा सीट से पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी ने रविवार को 42 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इसमें बिष्णुपुर से सुजाता मंडल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 2 मार्च को आई भाजपा की सूची में इसी सीट से सौमित्र खान को उतारा गया है। सौमित्र यहां से मौजूदा सांसद हैं। सौमित्र और सुजाता के बीच 2021 में तलाक हो गया था। दोनों के अलग होने की कहानी भी राजनीतिक है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुजाता मंडल अपने पति के साथ भाजपा में थी, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसे नाराज होकर सौमित्र ने कैमरे पर ऐलान किया था कि वे सुजाता से अलग हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सौमित्र खान भी टीएमसी में ही थे। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें बिष्णुपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला था। वे चुनाव भी जीते थे। इसमें सुजाता ने उनके लिए कैंपेनिंग भी की थी। विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी ने सुजाता को आरंभाग से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गई थी। सुजाता ने 21 दिसंबर 2020 को टीएमसी के सीनियर लीडर और एमपी सौगत रॉय की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से तृणमूल से जुड़ने का फैसला लिया है। भाजपा लुभावने सपने दिखाकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी ओर खींच रही है। भाजपा की ओर से नेताओं को अच्छी पोस्ट देने और कुछ नेताओं को सीएम बनाने का वादा किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि भाजपा में उन लोगों का सम्मान नहीं हो रहा जो वाकई इसके लायक हैं। पश्चिम बंगाल को सिर्फ ममता बनर्जी ही विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकती है। सिर्फ ममता ही राज्य को बांटने की राजनीति से बचा सकती है। इसलिए मैं दीदी के साथ जुड़कर काफी खुश हूँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।